यूपी के सुल्तानपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और निराश्रितों को बांटे जाने वाले राशन में भारी अनियमितता देखने को मिली है। राशन किट में भेजे जाने वाले आलू सड़े हुए मिले हैं। नगर पालिका के सभासदों ने जब मामला उठाया तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंचे SDM सदर ने मामले की जांच रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजने की बात कही। आलू का जो ये किट आई थी ना, किट करीब 10-12 दिन पहले आई है, ये तो पन्नी में आलू है, पन्नी का जो आलू है तो उसमें कुछ खराब हो गया, सड़ गया आलू। और जो आज किट आई है वो भी हमने आलू मंगा के देखा, वो आज वाली किट में आलू ठीक है। सर राशन पैकेट, राशन का पैकेट हम लोगों ने खुलवा के देखा तो जो नमक है वो टाटा साल्ट ना हो के टाटा साल्टे नमक है इस तरह से, और बाकी धनिया और ये जो है ये नम वो है ही है। दाल भी ऐसा लग रहा है कुछ छोटी दाल है। इस कमिया की रिपोर्ट भेजी जा रही है। असल में ऐसा ना, ये जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी का आइटम नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का आइटम जो है वो तो और भी महंगा हो जाएगा। 635 रुपये में शायद इसका वो हुआ है, क्या नाम है,